अब आप भी एक्साइट हो जाओ। हल्का सा, बिल्कुल फ्री बॉडी, कमर रिलैक्स, कमर शोल्डर फ्री फ्री, कमर आगे आगे, बस। अब आप ऐसे, हाँ आराम से, बहुत बढ़िया। अब ऐसे, हाँ बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, बाकी पहले वाली पोजीशन से काफ़ी ठीक है, हाँ लूज। और आज जो आपकी सिटिंग है लास्ट है, नीला फ्री फ्री फ्री, हाँ जी फ्री। अब आप सीधे उतरेगा, आराम से, हाँ बढ़िया। नीचे नीचे नीचे, बस नीचे फ्री नीचे, बस। अच्छा, अब जब पहले जब थे तो उस समय ये आपकी सर जो है नीचे टच नहीं हो रहा था, और आज की पोजीशन में, और अब हल्का हल्का बिल्कुल हल्के के कंधों को नीचे रखें, कोशिश करो धीरे धीरे, हाँ छोड़ो 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 छोड़ो, हाँ जी बहुत बढ़िया, ठीक है बस। कल जैसे अपन ने जो है इसको बिल्कुल टच हो गया था, और आज थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, खिंचाओ ये। अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस घर पे करनी है, ठीक है, क्योंकि आप क्या दूर के हैं, डेली जब चलो फिर भी अपने सिटिंग देके इसको कंट्रोल में किया है ना। अब आप हल्का सा, हाँ बैठो, यूज, बस हाँ जी बस। अभी यहाँ सीधा सीधा ऊपर फिर नीचे, बस हल्का सा, हाँ लूज सीधे स्ट्रेट फिर भी, बस बढ़िया। इसकी झंझट कहाँ तक आई? सारे लाइन ना, ये पूरा जो खून का सर्कुलेशन है वो पूरा जो खुलता है ब्लड का, बस निकलना है आपने। तो आज कितने घंटे का रास्ता है यहाँ से आपका? 6 घंटे। 6 घंटे का रास्ता है,
अब पहले जो गर्दन झुक रही थी और अब आपने अपनी भी आदत थोड़ी थोड़ी सीधी बैठने करनी, जितना आप कोशिश करेंगे सीधा बैठने की बढ़िया है। गर्म पानी की तौली का सेक मैंने आपको बताया था, वो आपने बराबर करना है, कोई भी गर्म पानी में सूती तौलिया लेके डिप करके उसका सेक करने से ये जितनी जो जकड़न है ये आपकी खुलती चली जाएगी। और कोशिश करें जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी वो आपने एक्सरसाइज करनी है। और अब आप थोड़ा सा सीधे होके खड़े होके चलो, हाँ, क्योंकि ऐसे मेन जो जितना चलना रखेंगे आप खड़े होके, कोशिश करें सीधे चल के बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ ये जी, ये अब इसमें आपके जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये पार्ट थोड़ा सा, अब जैसे आपकी सिटिंग जॉब है, कंप्यूटर जॉब है, अब दिन भर आप जैसे कंप्यूटर बैठे रहते हैं तो उसकी वजह से आपकी ये जो पार्ट है ये खाली झुकाव पर आने लग जाता है, डी से लेके एल तक की हड्डी होती है, बाकी सर्वाइकल वाली आपकी स्थिति नहीं थी, अब आपके सर्वाइकल का बननी। अब जैसे हाथ में दर्द आना वगैरह ये तो सब बंद हो गए, अब ये सिर्फ एक अकड़न है, तो इसको आप स्वयं अपने हाथों से दूर कर सकते हैं। आप बैठने की कोशिश करो सीधी, और जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी वो है, वो आप कर सकते हैं हल्की फुल्की, कोई भी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। और घर पे भी हल्का सा इस तरीके से बच्चे हैं या मिसेज हैं उनको यूं बोलना कि कुछ नहीं करना है, अब इसके तो कोई नुकसान नहीं है आपका, बस जैसे हल्का हल्का इस तरीके से यूं, ये आपने इस तरीके से यूं इस पार्ट को यूं हल्का हल्का प्रेशर देते रहना, ये ऐसे कर लेते हैं घर पे, वैसे भी बहुत सॉफ्टनेस पे आ गए हैं इस तरीके से यूं, ये आपको घर पे भी कोई भी इसके अंदर कहीं कोई खतरा नहीं है, कहीं कोई नुकसान नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप घर पे इसको दबाएंगे किसी नस दबा दिया, कुछ नहीं होना है, क्यों घर वाले आते तो डर की वजह से वैसे भी ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते हैं, तो उनको आप जैसे हल्का सा ये बता के, आप जैसे घर पे हाथ पैर दबाते हैं नॉर्मली हर कोई होते हैं, वो तो खाली डरा दिया जाता है कि उसने ऐसा किया तो उसे नस दब गई, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इस चीज को आप हल्का हल्का यूं दबा के अपनी बॉडी पे यूं, और थोड़ी बहुत कोई भी तेल से घर वालों को ना मालिश करें आपकी बॉडी की, तो ये अकड़न आपकी खुल जाएगी। हाँ जी, और बैठो, अब मैं दवा लगा देता हूँ। हाँ जी अंकल, क्या नाम है आपका? रविंदर। कितनी दूर से आए आप? 400 किलोमीटर। कहाँ से? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर कौन से साइड से आए? मेरा रोहतक। रोहतक, हरियाणा रोहतक से आप आए हो। कितनी सीटिंग होगी अपनी यहाँ पे? 5 महीना। 5 दिन हो गए अपने को यहाँ पे। कैसा है पहले से? बहुत अच्छा। पहले से अच्छा है। पहले कैसी पोजीशन पे आए थे आप? बिल्कुल झुका हुआ था। पहले झुके हुए थे? पहले झुके हुए कितने थे आप? ऐसे झुके हुए थे आप पहले, और अब आपकी गर्दन स्ट्रेट हो गई है, शोल्डर पीछे आ चुके हैं। चलो ठीक है, अच्छा है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ये मालिश का जो तरीका होता है ये ऊपर से यूं नीचे की तरफ मालिश इस तरीके से की जा सकती है, ये सही से जो अपनी सी सर्वाइकल और डी जो होती है डी ए वाली एक्यूरेट पोजीशन पे ये आ जाती है। भगवान का आना सफल हो गया है और बहुत बढ़िया पोजीशन। तो आज का चेकअप है आपका? हाँ। यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई? अभी और भी आए थे, फिरोजाबाद के भी आए थे, बताया था मैंने, उसने आपसे बात हुई थी, फिरोजाबाद के भी थे, अभी इंदौर से भी थे पेशेंट। Thank you.
तो आप भी जुड़े हमारे सेवन के माध्यम से जुड़े। हाँ जी से पता लगा ना। अच्छा इस चैनल से हमारे से काफ़ी जने जुड़े हैं और काफ़ी मानवों से हमें भी थोड़ा सा अनुभव मिलता है कि काफ़ी जने हैं जो हमसे भी बढ़िया कलाकार हैं दुनिया के अंदर बैठे हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ जो है सारी कला पट्टी बांधने की सेटिंग है, ठीक है, बांधना ही सब कुछ यही है। अब आप अपनी आदत स्वयं सुधार सकते हैं, जितना आप स्वयं सीधा कटेंगे वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हाँ जी, अब आप ना